तुलादान के ऑफर पर हमारे और आज जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का आज जन्मदिन है, पानी तो आना ही है, पिछले पानी आ रहा है वैसा, तो एक बार जोर से जय बोलेंगे। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। हमारे बीच जो उपस्थित है हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय ओम पटेल जी, विजय सूरमा जी, हमारे व्यास जी, जोशी जी, हमारे राहुल भाई, दीपक सिंह जी, सूरमा जी, उधर हमारे पारे जी, हमारे उमेश भैया, बाबू जी डाले जी, हमारे राजेश भाई, जलाल भाई, सुनील भाई, अनिल भैया, हमारे उपाध्यक्ष उनके नेतृत्व में ये रखा गया आज का आयोजन। ये जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, जनपद सदस्य अजय भैया, समस्या उपस्थित भाई भाई और राजेश भैया और सभी उपस्थित बोलने ज़्यादा अच्छा रहे, सभी उपस्थित भाइयों और हमारे सरपंच इस गांव कुकरावत के उप सरपंच साहब हमारे सेमरे जी, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। और ये आयोजन का अवसर तो आप सबको मालूम है और आपने देखा है, मेरा कार्यकाल पहले भी 5 साल मैंने काम किया, वो 5 साल पहले ये रोड चलने लायक नहीं था, उस टाइम मैंने ही बनवाया था वो रोड और वो रोड अभी तक चला। बीच में जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने क्या किया ये सब आपको मालूम है। और पुनः बनने की बात जब आई तो इतना रोड छोड़ दिया गया था कनारदास, इधर भूमि पूजन का पत्थर दिखा रहे हैं कुछ लोग, बीजेपी के लोग कुछ लोग बात कर रहे हैं, पर मेरा उनसे कहना है कि वो उधर 8 किलोमीटर बनाया है वो रोड देख लो, आज ही फूट गया, 6 महीने के अंदर बनाया, 6 महीने पहले बना था और फूटा पड़ा है, टिकड़े लगाना पड़ रहे हैं। और ये रोड बना है ये 8 किलोमीटर के बाद में 8-10 किलोमीटर का जो बना है, इसका देख लो आप क्वालिटी तो पता लग जाएगा आपको किसकी क्वालिटी है, कौन ने बनवाया अच्छा और कौन के कार्यकाल में अच्छा बना है। तो ये होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य और धर्म होता है कि विकास करे क्षेत्र में, अच्छे काम करे, काम रोके नहीं। पर हमारे यहाँ ये सब चीजें होती हैं, रोडों के आप स्थिति मेरे पिछले 5 साल कार्यकाल के देख लें, वो अभी तक चल रहे हैं और अभी जो बने हैं 2 साल पहले भी रोड बने उनकी स्थितियाँ क्या है, तो ये सब चीज़ें समझने की बात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि अच्छे प्रतिनिधि चुनो तो निश्चित ही काम होंगे और काम करेंगे, और जो काम नहीं करने वाले हैं उनको चुनेंगे तो वो वैसे ही मदमस्त रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं काम से और वही चला आ रहा है, ऐसे ही पूरा जिला हमारा परेशान है। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल रुका पड़ा था, आपने देखा होगा 10 का सेंक्शन था, मॉडल कॉलेज रुका पड़ा था, ला कॉलेज 13 का सेंक्शन है पर बन नहीं पा रहा अभी तक, तो ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी रुके हुए पड़े हैं। इसी तरह रोड और भी बहुत सारे पड़े थे, ये मगरता रोड 2007 का सेंक्शन था जो 13 के बाद मैं आया था तभी बनवाया था, नहीं तो उसके पहले बन ही नहीं पाया था, ठेकेदार के बेचारे के सामान सड़ गए, ये आपके पास में ये उदाहरण है। तो काम अच्छा होना चाहिए और हमारा कर्तव्य और धर्म यही बनता है कि हमारी जनता की सेवा हो, जनता को अच्छे रास्ते मिले, अच्छे चलने को मिले और अच्छा काम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही बालागांव में हाई स्कूल की बात, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात आई थी, वो भी मैंने बनू खुलवाया था, उसके बाद कोई हायर सेकेंडरी यहाँ इधर नहीं खुला है उसके बाद, और भी जैसे काम किए थे हमने, बिल्डिंगें बने स्कूलों की, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें काम किए हैं, पहले भी किए थे और अभी भी करेंगे। लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि विपक्ष में है इसलिए काम नहीं होते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपक्ष में ज़्यादा काम होते हैं, आप देख लीजिए पिछले 5 साल के कार्यकाल के और दूसरे कार्यकाल के भी देख लीजिए और इसके बाद अभी भी मेरे देख लीजिए कितने काम हो रहे हैं। तो विपक्ष में रह के तो ज़्यादा काम होते हैं, विपक्ष का नेता चिल्लाता है इसलिए डर के मारे काम करना पड़ता है, और सत्ता पक्ष का आदमी डर के खुद ही काम करता है क्योंकि उसको दबाव रहता है कि सरकार के लोग चिल्ला नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो इस कारण से काम हमारे हरदा में नहीं होते थे। विपक्ष में रहने से ज़्यादा काम हो रहे हैं और ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, तो मैं बिल्कुल आपके लिए तत्पर हूँ, आप जब भी हमेशा काम करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ आपके बीच में रहकर, और आपने विश्वास किया मुझे और जिताया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, और आपने जिताया तो मेरा भी धर्म और कर्तव्य बनता है कि हमारा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और वो विकास मैं कर रहा हूँ ये आपको दिख रहा है। और आप ये तुलना कर लीजिए, ये रोड मगरदा, ये कनारदा से आगे बना हुआ रोड है पुराना और ये रोड अभी बना है, इसमें तुलना कर लीजिए, आप देख लीजिए रोड की स्ट्रेंथ कितनी है, रोड की क्वालिटी क्या है और उसकी नाप नपवा लीजिए। इसके मेरा तो चैलेंज है, जो लोग अगर बीजेपी वाले बात कर रहे हैं ना और फेसबुक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जिंदाबाद, 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 जिंद
आपके टाइम में बना हुआ रोड ये सामने है और ये मेरे टाइम का बना हुआ रोड है, दोनों की क्वालिटी चेक करा लो, पता लग जाएगा कि किसके समय में कौन सा काम अच्छा हुआ और कौन सा काम खराब हुआ। तो ये समझने की बात है, जबरदस्ती सोशल मीडिया पर ये दो तीन दिन से जब चल रहा था तुलादान का, तो अरगनल बात कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, पर वो खुद अपने समझे और खुद जांचे और अपने गांव की स्थितियां देख ले, खुद के गांव में नेताओं क्या करा लिया तुमने वो तो देखें, पर कुछ नहीं करा पाए और बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित तो उनको सोचना चाहिए। तो मेरा तो ये निवेदन है और अच्छा काम करेंगे हम सब मिलकर, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हरदा जिला उन्नत हो, बहुत आगे बढ़े और आगे बढ़कर इसका विकास हो, यही भावना है। इसके साथ में हमने मूंग की लड़ाई भी लड़ी, मूंग का बढ़वाने के लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ी, मूंग का आपको जो कम 12 हमने 12 क्विंटल कराया था, जो पहले 8 क्विंटल था 8 से 12 क्विंटल कराया, वो लड़ाई भी लड़ी है? नहीं, वो 12 क्विंटल हुआ ना, कराना था लेकिन 12 बिका, 12 बिका है, 16 नहीं हुआ था, पेमेंट लोगों का पेमेंट अटका, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रुक जाए जरा सुन ले, जरा अब तो सुन ले, ये 12 क्विंटल हुआ, 12 क्विंटल बिका, बाद में रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद ये आपका पेमेंट की बात आ रही, तो पेमेंट का रोज हम लोग काम कर रहे हैं, डेली शासन से संपर्क में है, पेमेंट डलवाइए, तभी डल रहा है, कभी अभी डला था 35 करोड़ डला था, उसके पहले 80 करोड़ डला था, ऐसे करके अभी 500-550 करोड़ आ गया, तो 250 करोड़ बचा है, तो वो डलवा रहे हैं और उसके लिए हम कर रहे हैं। हमारे नेता लोगों ने भी किया, मंडी में हम धरना दिया था हमारे किसान कांग्रेस के द्वारा, आप अभी कल जल सत्याग्रह किया था नर्मदा जी में हमने, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, और किसानों की लड़ाई भी हम आगे बढ़ाएंगे। और अभी ये हम मांग करना चाहिए, आप सबसे निवेदन है कि सोयाबीन की मांग जैसे 6000 रुपए क्विंटल की बात उठी है, तो आप सब सोशल मीडिया पर डालें और डालें और मांग करें कि 6000 रुपए में क्विंटल पे हमारा सोयाबीन बिकना चाहिए। मैं भी उठाऊंगा और ऊपर विधानसभा में उठाऊंगा और ऊपर लेवल तक बात करेंगे, पर यहाँ नीचे से भी हमको सबको सहयोगी संगठित होकर ये बातें करना पड़ेगी। किसान का MSP पे पूरा माल बिकना चाहिए, ये मांग हम सब करेंगे मिलकर, और सभी किसान भाई हैं और सबकी किसान की फसल अच्छे से बिके ये होना चाहिए। आपने देखा पिछले साल ही आपने मूंग बेचा था 5-5 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये टाली देना पड़े थे, दिए थे ना, और अभी देना पड़े क्या, अभी 1 रुपया नहीं लगा, तो यही पता लगेगा, वही तो ये सब चीजें चल रही हैं, तो अच्छी चीज अच्छे लोगों को चुनेंगे तो निश्चित हमारे क्षेत्र में काम होगा और विकास होगा और सबके लिए काम होगा। और हमारा उद्देश्य ये है कि निष्पक्ष और स्वस्थ परंपरा के अनुसार शासन प्रशासन भी चले और हमारी जनता की सेवा भी हो, दबाव से या बदमाशी से या किसी प्रकार के अत्याचार अन्याय से या गलत कार्रवाइयां करके हमारे लोगों को दबा नहीं सकते, उनकी आवाज बनकर हम खड़े हैं और हम लोग सब कांग्रेस के लोग खड़े हैं, हम लोग लड़ेंगे आपकी लड़ाई। गलत तरीके से जो काम होते थे वो टोटल बंद हो गए, नहीं तो पहले जबरदस्ती शिकायत करा देना, उल्टे सीधी थाने बंद करा देना, उसमें कई माटवाली करते थे, दलाली करते थे, ये सब बंद हो गए, तो वो करना है। अब हमारे पास एक चीज और रह गई है यहाँ, जो गलत हो रही है उसका भी विरोध करना है, दारू जो बिक रही है गाँव दारू जो बिक रही है उसको रुकना चाहिए। आप सब सहमत हो कि नहीं, तो उसका भी एक अभियान चलाना हमको कि गांव-गांव ये बिकना नहीं चाहिए दारू, इसका विरोध करेंगे, बंद होना चाहिए सब, दारू बंद होना चाहिए सब, सहमत है, हाथ ऊंचे करो सब, सहमत है ना, दारू गांव-गांव बिकना बंद होना चाहिए। सहमत है ना, और इसके साथ ही हमारे यहाँ ये गलत तरीके के एक और MD ड्रग आ गया है, वो भी हमारे यहाँ रुकना चाहिए, ये नशे से नुकसान होता है, मानसिक शारीरिक आर्थिक तीनों नुकसान हो रहे हैं। तो युवा पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि ये नहीं होना चाहिए, हमारा जनपद उपस्थित है, तो मेरा ये आपसे ये निवेदन है कि ये हमको गांव-गांव विरोध करना चाहिए। वो MD ड्रग्स जो आया बहुत खतरनाक ड्रग्स उसका है ना, उसका बहुत रेट भी बहुत ज़्यादा है, आदमी को आदत पड़ जाती है तो फिर वो छूटता नहीं है, और छूटता नहीं है तो फिर वो उसको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओ या इधर उधर ले जाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें से बचना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए, नशे से दूर रहे और हम सब बच्चों को अच्छे पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दें जिससे वो आगे बढ़े और उनका विकास होगा तो अपना विकास भी हो जाएगा और अपना विकास होगा तो देश का विकास भी हो जाएगा। इस कारण यही भावना के साथ में काम करना चाहिए। आप लोगों ने ये सब आयोजन रखा, सभी को बहुत बहुत दवाई के उपरांत के सभी भाइयों को, हमारे क्षेत्र के बगरदा रोड के सभी लोग को
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये रखा इसके लिए, और बहुत आभारी हूँ और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। तीनों पुलिया की बात अभी जैसे आई है, बिल्कुल सही बात है, ये बाढ़ आती है तब तब हो जाता है पानी में, उसके बारे में इसके एक तो ये पुलिया है, एक ये रेटा के पुलिया है सर, कुकरावत की सर, मैंने फोन लगाया था आपको कि सर चौक हो जाए नहीं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मरीज आई जाए नहीं तब दिक्कत है। नहीं नहीं करेंगे, उसके लिए भी करेंगे, मरीज के लिए दिक्कत ज्यादा है कि पुलिया बन रही है, आपने देख रहा है, दो दिन बात कर ले। कई लोगों 25 साल से आश्वासन दे रहे थे, नहीं बन पाई थी, पर अब बनने जा रही है। आपके बालागांव से जो सीधा जुड़ा हुआ, बालागांव से वो पुलिया भी नहीं बनी थी, पिछले 5 साल के कार्यकाल में बालागांव वाली पुलिया, वो रास्ता आप सीधा हो गया, लोग सीधे बंदे निकल जाते हैं, तो ये सब चीजें तो ये पूरा पुलिया की अपन काम करेंगे, और पूरे मगरदा रोड की यहाँ से वहाँ तक की पुलिया देख लेते कितनी पुलिया है, उसके लिए मैं मांग करूंगा, और आगे अपन सेंसर करा के इनको ऊंचा कराएंगे। भैया मैं ऐसे आत्मा करेंगे, इसलिए आपने एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में हमारे विधायक धोगने जी को जिताया, उसके लिए सबसे रिकॉर्ड मतों से कुकरावत ने जिताया, उसके लिए मैं सब कुकरावत वासियों को तो बहुत बधाई। दूसरा गांव था हमारा रनाई, जिसने रिकॉर्ड मतों से जिताया, तो आप लोगों को सबको बधाई है। साथियों, एक अच्छे आपके पे काम करने वाले व्यक्ति को जिताया है, निश्चित आपकी भावना के अनुरूप जो भी विकास के क्षेत्र के काम होंगे, जैसे हमारे एक भाई ने बोला स्टेट स्टेट तो आपका आ ही जाएगा, बस धोगने जी भैया इनका स्टेट यहाँ करा देना, ठीक है, वो तो हो जाएगा बस। साथियों, बहुत अच्छी बात है, और क्षेत्र में विकास होना चाहिए, और गांव में विकास होगा तो ही गांव प्रगतिशील होता है, और हमेशा अपन ने देखा है कहीं गोए गलियों में। हमारी एक योजना और चल रही है, उसमें हम लोग विधायक जी से बात भी कर रहे हैं, टिबन्ने में हमने चालू कर दी है, एक खेत से गाँव से खेत तक की सड़क की योजना ला रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग आप लोगों का सहयोग चाहते हैं, सब राजी हो तो हम वो भी एक योजना उसमें ला रहे हैं, ताकि खेतों तक रास्ते बन जाए। दूसरी योजना है, एक थोड़ा सा किसान को बुरा तो लगेगा, बहुत सारे जगह प्रधानमंत्री रोड है, उसमें गाँव में अभी अतिक्रमण आएगा, लेकिन क्या हुआ, अपन लोगों ने उन रास्तों को सकड़ा कर दिया, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ चार चार दो दो तीन तीन वाहन निकलते थे, और घर के सामने यदि अपन रास्ता या जगह छोड़ते हैं, तो वहाँ अपने वाहन के अलावा कोई दूसरा कब्जा करने नहीं आता, वो जगह अपने लिए उपयोग में आती है। एक नहरों का भी मामला आएगा, कि नहरों की जो जमीनें हैं अभी तक जो किसानों के पास है, वो अतिक्रमण, वो आपके काम आना है, कोई दूसरे के काम नहीं आना, लेकिन उनमें रास्ते बनेंगे, रोड बनेंगे नहरों पे, वो जमीन यदि आप छोड़ोगे तो उसी पे आपके सरकारी माइनरों पे सब पे रोड बन जाएंगे, तो आपके खेतों के लिए वो सुविधा हो जाएगी। तो ये योजना हमारी अभी चर्चा चल रही है, और हमने और भी आगे बात कर रहे हैं उस विषय में, ये सब योजनाएं आएंगी, और मैं आपको बहुत फिर से बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि आपने एक अच्छे प्रतिनिधि को यहां जिताया, और आपका रोड का काम भी उनने पहले भी कराया, इस बार भी कराया, और मैं पूरे क्षेत्रवासियों को उसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जिला अध्यक्ष जी, सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, मेरे माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्षेत्रवासियों का धन्यवाद।